सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है सेम फोन वन, जो कि नथिंग का सब ब्रांड है, जो कि एक बेस्ट बजट 5G गेमिंग डिवाइस कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इस डिस में आपको अंडर 15,000 के कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मिलता है, जिसमें काफ़ी बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग यार कन्फ्यूज है कि इस डिस में कैसे आपको गेमिंग टेस्ट मिलती है, कैसे आपको गेम प्ले देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में करने वाली सी सेम फोन वन की BGMI टेस्ट, जायरोस्कोप कैसा देखने को मिल जाता है, कितना बैटरी ड्रेन करता है, लैग करता है कि नहीं करता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है सेम फोन वन, जो कि बजट कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट आपको गेमिंग डिवाइस मिलता है। तो चलिए गेमिंग टेस्ट करेंगे, लेकिन गेमिंग टेस्ट करने से पहले इस डिस में कौन कौन से गेमिंग फीचर्स मिलते हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस डिस में 6.6 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले आता है, जो कि सुपर एमोलेड LTPS पैनल के साथ आता है। 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आता है। एंड इसके पावर के बारे में बात करेंगे तो MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर आता है, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। वैसे इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो 6 लाख से भी ज़्यादा स्कोर निकल के आ जाता है। सो बजट कैटेगरी में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे सेम फोन वन के कुछ इंपॉर्टेंट गेमिंग फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे गेमिंग को ओपन करेंगे एंड गेम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गेम टर्बो का यहाँ पे गेम साइडबार आता है। वैसे गेम साइडबार में देख सकते हैं, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डेडिकेटेड परफॉर्मेंस मोड भी मिलता है। वैसे दोस्तों, नीचे के टॉगल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कॉल का टॉगल आता है। वैसे इनकमिंग कॉल्स अगर आपको सारे सारे रिजेक्ट करना है, ओपन इन पॉपअप विंडो, या फिर अगर आपको बिग स्क्रीन में कन्वर्ट करना है, तो कॉल की सेटिंग्स को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर आपको नोटिफिकेशंस के लिए भी सेटिंग को सेट करना है, जैसे कि पूरा ऑफ करके रखना है, मिनिमल रखना है, या फिर फुल स्क्रीन रखना है, तो नोटिफिकेशंस की भी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्राइटनेस को लॉक करना है, जैसे कि यार गेम खेलते वक्त कभी कभार ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है, तो ब्राइटनेस को भी लॉक करके रख सकते हैं। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इस ड्रेस में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता है। वैसे दोस्तों, इंपॉर्टेंट फीचर जो वॉइस चेंजर का फीचर है, वो तो इस डिस में देखने को नहीं मिलता। एंड इसके बाद गेमिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गेम डैशबोर्ड का भी सपोर्ट आता है। वैसे सेटिंग में जाने के बाद आप इस डैशबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में आने के बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का शॉर्टकट इनेबल करना है, वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का भी शॉर्टकट ऐड करना है, इवन अगर आपको यहाँ पे लाइव FPS वगैरह दिखाना है, तो लाइव FPS को भी इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको DND मोड को ऑन रखना है, मतलब भी शॉर्टकट को सेट करना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। एंड इसी डैशबोर्ड से अगर आपको YouTube में लाइव जाना है, तो यहाँ पे भी लाइव जा सकते हैं, मतलब कि लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये भी सपोर्ट आपको यहाँ पे सारे गेमिंग फीचर में आते हैं। वैसे दोस्तों, चलते चलते जल्दी से नज़र डालेंगे इसके ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में। तो हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे ग्राफिक सेटिंग्स में। तो आपको यहाँ पे स्मूथ में एक्सट्रीम, मतलब कि कॉन्स्टेंटली 60 FPS का सपोर्ट आता है। बाकी बैलेंस HDR में आपको मैक्स टू मैक्स HD हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट आता है। सो अगर आपको 60 FPS में गेमिंग करना है, तो स्मूथ में आपको यहाँ पे एक्सट्रीम ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है। वैसे दोस्तों, ये जो फ़ोन है, मैंने एक्स्ट्रा कैशबैक के साथ बाय किया है। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं, अमेजोन से बाय करते हैं, तो आपको ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा। सो अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी कमाल का ऐप लेकर आ चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक के लिए Zynga रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। एंड इस Zynga ऐप को यूज करके आप अपने हर एक ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक कमा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अमेजोन पे प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है 20 जुलाई से। सो अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है, सो Zynga से बाय कीजिए। सो आपको 50% कैशबैक, जो कि अप टू 100 रुपीज डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको गिफ्ट कार्ड वगैरह बाय करना है, सो गिफ्ट कार्ड बाय करने पर भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कैशबैक मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर मिंत्रा से, तो उस वेबसाइट को क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा। एंड ओपन करने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट बाय करना है, काफी आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट, बस आपको यही प्रोसेस करना है। एंड ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करके आप घर बैठे 5% से लेकर 10% तक एक्स्ट्रा कैशबैक कमा सकते हैं। वैसे इसमें रेफर एंड अर्न का भी फीचर मिलता है। सो अगर आप मेरा रेफर कोड को यूज करेंगे, तो आपको 25 रुपए इंस्टेंटली मिलेंगे। प्लस अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे रेफर करता है, तो आपके भी इसका 10% हर ऑनलाइन शॉपिंग का भी मिलने वाला है।
एंड आप देख सकते हैं कि मैंने भी इस एप्लीकेशन के यूज करके काफी अच्छा खासा यहाँ पे कैशबैक कमा है। एंड जो भी कैशबैक आपने कमा है, जो भी वॉलेट है, सीधा बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो आपको ये जिंगो रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक एप्लीकेशन चाहिए तो ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एंड अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, BGMI गेमिंग टेस्ट को शुरू करेंगे। एंड यहाँ पे जो गेम है 1 घंटे तक चलने वाला है। सो टाइमिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 9 बजे है। सो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम यहाँ पे 1 घंटा गेमिंग करेंगे। वैसे बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे तो मेरे डिवाइस में यहाँ पे 90% बैटरी बैकअप बचा है। सो देखते हैं कि 1 घंटे में कितना बैटरी यहाँ पे ड्रेन होता है। एंड स्टार्टिंग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो मेरा जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है। एंड डिवाइस का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, काफ़ी तेज़ी से बारिश चलती है। सो क्लाइमेट यहाँ पे पूरा का पूरा ठंडा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, गेम को करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे कुछ TD मैच प्ले करेंगे, उसके बाद कुछ एरेंगल मैच या फिर नूसा गेम को ट्राई करेंगे। देखते हैं कि 1 घंटे में कैसा डिवाइस परफॉर्म करता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे लाइव FPS वगैरह देखना है तो मैंने यहाँ पे लाइव FPS मीटर को भी ऑन करके रखा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में FPS मीटर को भी चेकआउट करके देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पे जो TD मैच चालू है तो मैंने सारे जो सेटिंग्स से डिफॉल्ट सेटिंग सेट करके रखा है, कोई भी परफॉर्मेंस मोड मैंने ऑन करके नहीं रखा। एंड वैसे FPS के बारे में बात करेंगे तो एवरेज यहाँ पे 59-60 ऐसे FPS देखने को मिलते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 57-58 आपको यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मुझे FPS ड्रॉप देखने को मिला है। वैसे फर्स्ट TD में और भी काफ़ी सारे TD में खेलना है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे FPS ड्रॉप तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन हाँ कभी कभार यहाँ पे लैग करता है, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे जिटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट मैच में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे FPS ड्रॉप तो देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लैग तो किया है। चलिए दोस्तों, अगला TD मैच प्ले करेंगे, जो कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके खेलेंगे। देखते हैं कि परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद FPS में कितने इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक और हम यहाँ पे मैच प्ले करेंगे। वैसे अभी तक परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद जो FPS है 59-60 कॉन्स्टेंटली देखने को मिला है। वैसे थोड़े बहुत जिटर्स एंड जो लैग है यहाँ पे भी देखने को मिलता है, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में, मतलब हीवी टास्क में डिवाइस थोड़ा बहुत जिटर्स या फिर लैग तो करता ही है। वैसे FPS में थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा ड्रेन हो सकती है, लेकिन अभी भी यह पे डिवाइस थोड़ा बहुत तो लैग जरूर करता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके गेमिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले दिखाइए, कैसा आपको परफॉर्मेंस मिलता है वो भी चेक करके देखते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद FPS में ज़्यादा कुछ खास बड़ा चेंजेस नहीं है, वही एवरेज आपको 58-59 का FPS देखने को मिलता है, लेकिन हाँ डिवाइस यार कभी कभार बहुत ज़्यादा हेवी लैग करता है। कुछ हीवी टास्क में कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि एनिमी सामने आता है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे फायर करते वक्त यार डिवाइस बहुत ज़्यादा जिटर्स या फिर लैग करता है, लेकिन फिर भी बाकी कंडीशंस में FPS वगैरह काफ़ी बेटर है, 59 एवरेज लगती यहाँ पे FPS देखने को मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेटर है, लेकिन स्क्रीन को रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद थोड़ा बहुत जिटर्स लैग का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, क्लासिक एरेंगल मोड, जो कि हम यहाँ पे एक नूसा मैप को ट्राई करने वाले हैं। सो देखने वाले कि जब मारते वक्त यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितना FPS ड्रॉप होता है। सो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे FPS मीटर को चेक कीजिए, एवरेजली यहाँ पे 58-57, अब यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मुझे 49 FPS देखने को मिला है, अभी यहाँ पे 52-53 का भी FPS देखने को मिला है।
एवरेजली बात करेंगे तो 56-57 FPS जब मारते हुए यहाँ पे मैक्स टू मैक्स FPS ड्रॉप देखने को मिला है। वैसे अगर आप क्लासिक मोड में एरेंगल मैच में या फिर बोट कैम में गेमिंग करेंगे तो आपको काफी बेटर स्मूथनेस देखने को मिलती है, ज्यादातर आपको यहाँ पे लैग वगैरह इस मोड में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें भी मैंने कुछ एक दो मैच प्ले किया था तो ज्यादा कुछ खास मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिला है, काफी बेटर स्मूथनेस आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में काफी बेटर गेम प्ले देखने को मिला है। एंड इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स ये भी देखने को मिलता है कि जायरोस्कोप कैसा है वो भी बताइए। तो जायरोस्कोप के बारे में बात करेंगे तो हाँ ठीक ठाक है, एवरेज जायरोस्कोप देखने को मिलता है, मतलब कि पूरा का पूरा 100% मार्क नहीं दे सकता, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा डिले भी नहीं है एंड ज़्यादा अप टू दी यहाँ पे स्टेबल भी नहीं है, तो ठीक ठाक एवरेज आपको यहाँ पे जायरोस्कोप देखने को मिलता है। तो बजट सेगमेंट में इस ड्रेस में आपको जायरोस्कोप भी काफ़ी बेटर आता है। सो चलिए दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा एक घंटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सो गेम को यहाँ पे क्लोज करेंगे। टाइमिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे 10 बजे है क्योंकि 9 बजे हमने यहाँ पे गेम स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक घंटा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद दोस्तों एक घंटे में देखेंगे टेम्परेचर कैसा हो चुका है। सो यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है वो है 27-20 डिग्री सेल्सियस एंड डिवाइस का जो टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। बैक का जो टेम्परेचर है वो भी 36 डिग्री सेल्सियस है एंड फ्रंट का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ज़्यादा डिवाइस इसलिए हीट नहीं हो चुका क्योंकि यार सर्दियों का मौसम में काफ़ी हीवी बारिश है। एंड यस बैटरी ड्रेन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गेम स्टार्ट करने से पहले 90% बैटरी बैकअप था, सो एक घंटे के बाद यहाँ पे जो बैटरी है 77% बचा है, तो एक घंटे में देख सकते हैं लगभग 13% बैटरी ड्रेन हो चुका है, जो कि यार ठीक ठाक है, नॉर्मली इतना ही बैटरी ड्रेन करता है। सो ज़्यादा बैटरी ड्रेन का इशू इस ड्रेस में देखने को नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा डिवाइस हीट भी नहीं करेगा, ज़्यादा डिवाइस का बैटरी वो भी ड्रेन नहीं करेगा एंड बेस्ट बजट कैटेगरी में आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स अगर आपका बजट अंडर 15,000 के कैटेगरी में आता है, सो अगर आपको बेस्ट में से बेस्ट गेमिंग डिवाइस चाहिए तो आप इस सेमे फोन वन को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।